से सटी बिहटा के सिकंदरपुर में निर्माणाधीन एनआईटी कैंपस में बने गर्ल्स हॉस्टल में एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली। छात्रा आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी, जो सेकंड ईयर की छात्रा थी। आत्महत्या की जानकारी मिलते ही कैंपस में रह रहे छात्राओं को जानकारी इसकी मिली, जिसके बाद हंगामा बढ़ गया। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और हालात संभालने की कोशिश की। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि बिहटा में एनआईटी कैंपस हॉस्टल में एक विद्यार्थी द्वारा सुसाइड किया गया है। विद्यार्थी का जो बॉडी है उसको ईएसआईसी हॉस्पिटल बिहटा में लेकर गया है और पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है और हॉस्पिटल में भी जाके आगे की अनुसंधान और अग्रदर कार्रवाई किया जा रहा है। छात्रा की मौत के बाद बिहटा एनआईटी और पटना एनआईटी कैंपस में जमकर हंगामा हुआ। बिहटा एनआईटी कैंपस में रह रहे छात्रों का आरोप है कि बिहटा एनआईटी कैंपस अभी तक पूरी तरह से बना भी नहीं है और वहाँ स्टूडेंट्स को रखा जा रहा है। पढ़ाई में भी काफी दिक्कतें आ रही है, यहाँ तक कि गर्ल्स हॉस्टल में अभी भी मजदूर काम कर रहे हैं। यहाँ से सटी बिहटा के सिकंदरपुर में निर्माणाधीन एनआईटी कैंपस में बने गर्ल्स हॉस्टल में एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली। छात्रा आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी, जो सेकंड ईयर की छात्रा थी। आत्महत्या की जानकारी मिलते ही कैंपस में रह रहे छात्राओं को जानकारी इसकी मिली, जिसके बाद हंगामा बढ़ गया। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और हालात संभालने की कोशिश की। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि बिहटा में एनआईटी कैंपस हॉस्टल में एक विद्यार्थी द्वारा सुसाइड किया गया है। विद्यार्थी का जो बॉडी है उसको ईएसआईसी हॉस्पिटल बिहटा में लेकर गया है और पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है और हॉस्पिटल में भी जाके आगे की अनुसंधान और अग्रदर कार्रवाई किया जा रहा है। छात्रा की मौत के बाद बिहटा एनआईटी और पटना एनआईटी कैंपस में जमकर हंगामा हुआ। बिहटा एनआईटी कैंपस में रह रहे छात्रों का आरोप है कि बिहटा एनआईटी कैंपस अभी तक पूरी तरह से बना भी नहीं है और वहाँ स्टूडेंट्स को रखा जा रहा है। पढ़ाई में भी काफी दिक्कतें आ रही है, यहाँ तक कि गर्ल्स हॉस्टल में अभी भी मजदूर काम कर रहे हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.